जय हिंद साथियों, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी कैडेट का एग्जाम 11 जून को आपके समीप आ रहा है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक ट्रांसपायरेशन लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रांसपायरेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, इन सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांसपायरेशन, जिसको हम वातपोत सर्जन कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पौधे जल अवशोषित करते हैं, सभी लोग एग्रीकल्चर से हैं क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, कृषि है, सबके घर में खेती किसानी होती है। पौधों को आप पानी देते हैं, सब लोग जानते हैं। तो पौधे जो जल अवशोषित करते हैं, क्या वो पूरा जल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी उपापचय क्रियाओं में वो पूरा यूज कर लेते हैं, या फिर उस जल को किसी रूप में बाहर निकालते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन है जो, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जो पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में हानि, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये वाष्पोत्सर्जन को कार्टी नामक वैज्ञानिक ने एक आवश्यक बुराई बताया है। क्या बताया है? एक आवश्यक बुराई बताया है। किसने बताया है? कार्टी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है कि जो वाष्पोत्सर्जन है ये क्या है, एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, चलिए अब क्या, जैसे मान लीजिए आप गेहूं या धान के खेत में हैं, क्या ये जो जल वाष्प पौधों के ही ऊपर से होके जाता है? कहने का मतलब ये है कि पौधों से ही जल वाष्प रूप हानि होती है जल की, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्या नाम है, नदी है, नाला है, तालाब है, सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उनका जो जल है क्या हो जाता है, वाष्पन के द्वारा लॉस हो जाता है, उस जल का हानि हो जाता है। तो देखिए ये जो वाष्पन है, तो नदी या तालाब की सतह द्वारा जल का जल वाष्प के रूप में हानि क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। अब देखिएगा इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखिएगा इसमें और इसमें अंतर क्या है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाष्पोत्सर्जन से कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया है रासायनिक, जैविक, भौतिक या फिर शारीरिक। तो वाष्पोत्सर्जन जो है एक शारीरिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? शारीरिक क्रिया है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अब ये जो वाष्पन है ये एक भौतिक क्रिया है। क्या है? भौतिक क्रिया है। ठीक है, इसमें होता क्या है, पौधे के वायवीय भागों से जल की हानि होती है। पौधे के वायवीय भाग जैसे कि तना हो गया, पत्ती हो गया, पुष्प हो गया, है ना, इन सभी जगहों से जल जब वाष्प के रूप में उड़ जाता है, उस प्रक्रिया को हमने वाष्पोत्सर्जन कहा है। ठीक है, वाष्पन भी पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब खेत में, धान के खेत में जैसे आप जाइए, तो धान में आपने सिंचाई किया है, तो धान के नीचे कुछ जगह होगी जहां पे पानी भरा होगा, भूमि में पानी भरा होगा, है कि नहीं? तो कभी कभी क्या हमेशा ही होता है, पौधों के वायवीय भागों से भी जल वाष्प के रूप में हानि होती है, और उस खेत के जो नीचे एरिया है पानी भरा है, वो भी उस जल की भी वाष्प के रूप में हानि होती है। तो जब ये क्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, वाष्प वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्प वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब कभी कभी ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या है, इवेपो ट्रांसपायरेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब
पौधा है काफी बड़ा होता है, पौधे में तना भी होता है, पत्ती भी होता है, पुष्प भी होता है, तो जल अलग अलग जगहों से वाष्प के रूप में निकलता है। तो उसी आधार पर हमने क्या किया, वाष्पोत्सर्जन को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, क्या है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टोमेटल ट्रांसपाइरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। स्टोमेटल का मतलब रंध्र, ट्रांसपाइरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। देखिए पत्तियों में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं छिद्र, जिनको हम कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है, जब जल की हानि पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, क्या ये तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा या उप त्वचा के द्वारा बराबर मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो तने की पत्ती द्वारा, किसके पत्ती द्वारा सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि उसमें पाए जाते हैं रंध्र या स्टोमेटा। और रंध्रों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है लगभग 80 से 90%। तो याद रहेगा आप सभी को कि रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन अगर हो रहा है तो उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। होता कितनी मात्रा में है, 80 से 90% होता है। रंध्र पाए कहाँ जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लियर है, अब देखिए आते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन को हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपाइरेशन, क्या कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। ठीक, तो पत्ती के ऊपर एक सतह पाई जाती है जिसको हम उपत्वचा बोलते हैं। उस सतह का काम होता है, उस लेयर का काम होता है वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाना या कम करना। ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में जल की कुछ मात्रा क्या होती है, पत्ती से रिस करके वाष्पित हो जाती है, उसी का नाम हम लोगों ने दे दिया उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसपाइरेशन। क्लियर है, अब ये होता कितने प्रतिशत है, तो होता है ये लगभग 3 से 9%, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये तनों में पाए जाने वाले एक प्रकार के रंध्र होते हैं, वात रंध्र पाए जाते हैं तने में, उनसे कुछ मात्रा में जल क्या होता है वाष्पित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपाइरेशन। क्या कहते हैं भैया, लेंटिकुलर ट्रांसपाइरेशन, ट्रांसपाइरेशन। ये सबसे कम मात्रा में होता है, कितना होता है ये सबसे कम मात्रा में, लगभग 0.1 से लेकर 1%। ठीक है, ज्यादातर अगर आप सिंगल सिंगल में आ जाए तो आप प्रेफर करिएगा 0.1%। ठीक है, वात रंध्रों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन कितने प्रतिशत होता है, तो 0.1%। ठीक है ना, 1%। चलिए, ये तो हो गया अलग अलग जगह से क्या होता है जल वाष्पित तो होता है, किसके पौधे के वायवीय भाग से। ठीक, अब एक चीज याद रखना, ये उपत्वचा जो होती है, क्या होती है उपत्वचा, इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूटिकल बोलते हैं। ये किसमें नहीं पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती, जड़ में, जड़ में नहीं पाई जाती उपत्वचा, पत्ती में तो पाई ही जाती है, आप सबको पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, अब देखिए, अब तो बात हमने कर ली कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, अब हमें यह देखना है कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं।
चंद्र प्रकाश पटेल ने बताया है 80 से 90%। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए हमें जानना है कि वो क्या नाम वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। जैसे अभी आप लोग जनरली आपको पता है 1 हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन कितना होता है, लगभग 60-70 क्विंटल होता है कि नहीं? क्या मेरा फोटो आ रहा है, आवाज आ रही? बताइए भाई, ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आवाज सही से आ रही है? वीडियो पॉज हो गया, नो? आ गया? चलिए अब देखिए आगे, आपको देखना है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक होते हैं। कितने होते हैं? दो कारक होते हैं। कारक आप समझ पा रहे हैं ना, ऐसे कारक है ना, ऐसे अभिकर्मक जो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को इफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो घटाएंगे, किसको? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को। तो ये दो है मुख्यतः, एक है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है बाह्य कारक। क्या है भैया? बाह्य कारक। वीडियो ही क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा चलिए ठीक है, अभी रुक जाइए एक मिनट, अभी हमारी टेक्निकल टीम इसी काम में जुटी हुई है। वीडियो रुका हुआ है, ओनली आवाज आ रही है। अब देखिए वीडियो आ रहा है, ओके? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ गया? आ गया, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक की। तो देखिए ये एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाह्य कारक, ऐसे कारक जो पौधे से लेना देना नहीं है, बाहर क्लाइमेटिक हो गया, जैसे आपका ताप हो गया, जैसे आपका प्रकाश हो गया, हवाएं हो गई, जल की उपस्थित मात्रा, जल जितना ज्यादा मिलेगा पौधे का उतना ज्यादा जल वो वाष्पित करेगा। तो उन्हीं के विषय में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की यानी आंतरिक कारक। क्या करते हैं? आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में जैसे आप पढ़ते स्टोमेटा द्वारा सबसे ज्यादा होता है, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। यदि पत्ती में रंध्रों की संख्या कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, अगर रंध्रों की संख्या अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और एक चीज और होता है कि यदि पत्तियों में रंध्र निचली सतह पर पाए जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। ये देखिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी बहुत ही जनरल क्वेश्चन आता है यहाँ से, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम सही जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये फैक्टर्स हैं कौन कौन से है ना। अब एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में पहला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कहने का मतलब है जो वायुमंडल होता है, वातावरण होता है, इसमें जो वाष्प नहीं होती, वेपर, आर्द्रता जिसे कहते हैं, नमी है ना, तो क्या होता है इसको क्या कहते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक आपेक्षिक आर्द्रता, या आप इसको ये भी कह सकते हैं वातावरणीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक क्या ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे पत्ती के अंदर से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है और वायुमंडल में अधिक आर्द्रता होगी है ना, अब तो क्या है वो जो नीचे पत्ती के अंदर वाष्प बनी हुई है उसको निकलने में प्रॉब्लम आएगी,
तो कहने का मतलब ये है, वातावरण में जितनी आर्द्रता अधिक होगी वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी ही कम होगी। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बता दूं मैं आपको कि जैसे आप गेट से निकल रहे हैं, बाहर भीड़ है बहुत ज्यादा, आपको दिक्कत जाएगी बाहर जाने में कि नहीं जाएगी? बाहर साफ मैदान पड़ा है, जल्दी जल्दी आप दौड़ के निकल के अपने अपने रूम चले जाते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से पत्ती के अंदर जो जल वाष्प है, अगर बाहर एकदम क्लियर है, साफ है रास्ता, तो क्या करती है, आराम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चलती रहती है। लेकिन अगर वहां पे आर्द्रता ज्यादा है तो पत्ती के अंदर जो जल वाष्प है उसे निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता या वातावरणीय आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, और अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। इसी को लेकर एक आता है, क्या नाम है, फॉर्मूला टाइप का, पी अपान वन अपान ए एच, टी प्रोपोर्शनल वन अपान ए एच। देखिएगा ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, टी का मतलब ट्रांसपायरेशन, ठीक है, और ये ए एच का मतलब एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। आर्द्रता जितनी अधिक होगी ट्रांसपायरेशन उतना कम होगा, क्लियर है, आर्द्रता जितनी कम ट्रांसपायरेशन उतना अधिक होगा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं लाइट की, किसकी, प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश। अब आपको पता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण में विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं। तो प्रकाश का कहने का मतलब ये है कि लाल रंग की प्रकाश किरण में वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक होती है, ठीक है, और क्या नाम है, हरे रंग के प्रकाश किरण में क्या होता है, सबसे कम होता है क्या, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि जो रंध्र होते हैं, क्या होते हैं, रंध्र या स्टोमेटा, उनको खुलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यदि प्रकाश नहीं होगा तो रंध्र भी नहीं खुलेंगे, तो रंध्र नहीं जब खुलेगा तो उपत्वचा और वात रंध्र के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होगा, तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर घटेगी कि नहीं घटेगी, ठीक है। तो लाइट, अब आप जान गए ना इसमें क्या है कि लाल रंग में सबसे अधिक, हरे रंग में सबसे कम। एक चीज और, प्रकाश की सघनता, प्रकाश जितना तेज होगा, सघन होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी, क्लियर है। आप देखिए, आप देखिए, तीसरा है विंड, यानी हवा या वायु। अब इसमें यह है कि जब पौधे वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो पत्ती के ऊपर का जो एरिया होगा वेपराइज हो जाएगा, वहां पे आर्द्रता या वाष्प जमा हो जाएगी। जैसे कि आप घर में मम्मी माताएं बहने दाल या चावल बनाती है, जब प्रेशर कुकर का सीटी आता है तो वहां पे कितनी ज्यादा आर्द्रता हो जाती है, तो पत्ती, पौधे की पत्ती से जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो वहां पे आर्द्रता ज्यादा होगी, है ना, वाष्प ज्यादा होगा, तो वह बाहर भी कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा, तो अंदर जो आर्द्रता पत्ती के है उसको, उस जल को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। लेकिन जब तेज हवाएं चलती हैं तो उस पेड़ के ऊपर का आर्द्रता साफ होता रहेगा, रास्ता उसका एकदम क्लियर होता जाएगा, और अंदर की वाष्प, अंदर का जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हवाएं अगर तेज चलेंगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगी, अगर नहीं कम होगी हवाएं तो कम होगी, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद आपको देखना है टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर पे जाना है, ताप क्रम या तापमान, है ना, तापमान। देखिए तापमान का तो दिन में भी वही, दिन में भी अलग है, रात में भी अलग है, तो प्रकाश तो दिन में निकलता है, सूर्य के प्रकाश की बात हुई थी यहाँ पे। अब तापमान से ये है कि आप पढ़े होंगे एक निश्चित तापमान तक क्या होता है, कोई भी क्रिया बढ़ती जाती है, और उसके निश्चित तापमान से जब तापमान अधिक होने लगता है तो वो क्रिया घटने लगती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि तापमान का वाष्पोत्सर्जन में क्या प्रभाव पड़ता है,
तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगी। आप घर पे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, आप एक भगोने में पानी रख दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे क्या होगा पानी खोलना चालू कर देगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे उतनी जल्दी आपका भगोने का पानी साफ हो जाएगा, और ज्यादा देर तक अगर ध्यान नहीं दिए तो भगोना भी साफ हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो तापमान समझ गए, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, ठीक। अब है अवेलेबल वाटर, कहने का मतलब कि वहां पे उपस्थित जल की मात्रा, जब पौधे को जल ही नहीं मिलेगा तो वो जलवाष्प कहाँ से आएगी भाई, जो जल अवेलेबल है उसी से तो जलवाष्प बनती है, तो पौधा जितना ज्यादा जल अवशोषित करेगा उतना ही ज्यादा जल क्या करता है वाष्पित करेगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसके बाहर निकल जाएगी, है कि नहीं। हाँ, तो जितना ज्यादा जल उपस्थित होगा उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, क्लियर। इसके बाद CO2 देखिए, जब CO2 की सांद्रता अधिक होती है CO2 की सांद्रता अधिक होने पे रंध्र या स्टोमेटा क्या होते हैं बंद हो जाते हैं, क्या होते हैं बंद हो जाते हैं, और CO2 की कम सांद्रता में स्टोमेटा खुल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया घटेगी, क्यों घटेगी, क्योंकि स्टोमेटा या रंध्र बंद हो जाते हैं, किसके कारण CO2 की या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता या सांद्रता के कारण, क्लियर है। ये आपके रहे एक्सटर्नल फैक्टर इतने, ठीक है, याद रखिएगा, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। चंद्र प्रकाश पटेल, CO2 से अधिक होगा सर? नहीं भैया, CO2 से कम होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, तो इस कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया घट जाएगी। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर में, किसमें बात करते हैं इंटरनल फैक्टर में, यहाँ पे है इंटरनल फैक्टर में एक ही मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, पत्ती की संरचना। अब इसमें आप एक और जोड़ सकते हैं, रंध्रों की संख्या या उसकी उपस्थिति। देखिए ध्यान से, पत्ती की संरचना, पत्ती का देखिए जब क्या होता है, आप मरुस्थलीय पौधों में चले जाइए, किसमें मरुस्थलीय पौधे, जैसे कि ये नागफनी है, नागफनी क्या करता है अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर देता है, उसका तना चपटा और मांसल बन जाता है कि नहीं, जिसको हम प्रणाभ स्तंभ या फिलोक्लेट कहते हैं। जब वहां पत्ती ही नहीं रहेगी तो स्टोमेटा भी बहुत ही कम ही होंगे, है कि नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, और तनों में क्या होता है पर्णहरिम की मात्रा अधिक हो जाती है ऐसे पौधों में, क्योंकि उसको भोजन भी तो बनाना है कि नहीं। तो याद रहेगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्णाभ स्तंभ रूपांतरण है किसका, तने का, भाई वो तना ही तो चपटी मांसल संरचना बना हुआ है, पर्णाभ स्तंभ का उदाहरण है नागफनी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये पत्ती का संरचना वाला समझ में आ गया कि पत्ती की कैसी संरचना है कि नहीं, अगर नॉर्मल, वैसे सभी पत्तियां तो नॉर्मल होती हैं, है कि नहीं। अभी आपके सामने ये जो बरगद का पेड़ लगा हुआ है इसमें भी तो पत्तियां नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए पौधे क्या करते हैं अपनी पत्ती की संरचना को बदल देते हैं, और उसी कारण वाष्पोत्सर्जन की दर में घटोत्तरी या बढ़ोतरी होती है। अब दूसरी बात करते हैं इंटरनल फैक्टर में स्टोमेटा की संख्या, जिस पत्ती में स्टोमेटा या रंध्र अधिक होंगे तो वाष्पोत्सर्जन अधिक, कम होंगे तो कम। एक चीज और, अगर स्टोमेटा या रंध्र पत्ती की ऊपरी सतह पे तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, और निचली सतह पे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो आपका खत्म हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पौधे हैं कुल अवशोषित जल का कितने प्रतिशत भाग खुद में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और कितने प्रतिशत भाग वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं, ये तो सोचने वाली बात है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि पौधे कुल अवशोषित जल का लगभग 95 से 99% जल
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, वाष्पित कर देते हैं, ठीक है। और 1% या उससे कम, 1% या उससे कम जल की मात्रा पौधे अपने उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। जैसे उपापचयी क्रिया प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया, है कि नहीं, यही इसी प्रकार की सभी क्रियाओं में क्या करते हैं, ये प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, सर थोड़ा आराम से पढ़ाइए, ठीक है। आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके अभी आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अच्छा, कपिल ने पूछा है एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट क्या होगा, प्लीज सर। अच्छा ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में जो लाइट का मैंने बताया है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइट है, लाइट का रंग और सघनता से है। आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रकाश किरण आती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य होती है, है ना। तो जो लाल रंग होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सर्वाधिक होती है, हरे रंग में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे कम होती है, क्योंकि पत्तियों में भी हरा रंग होता है जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट कर जाती है प्रकाश किरणें, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये क्या नाम है, जो नीला रंग है, अगर आपसे लाल रंग नहीं आया है ऑप्शन में तो आप नीला रंग लगा सकते हैं, क्योंकि लाल रंग के बाद सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन नीले रंग के द्वारा होता है। ये तो हो गया कलर की बात, तरंग दैर्ध्य की बात हो गई, है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं प्रकाश की सघनता की। प्रकाश जितना ज्यादा सघन होगा, जितना तीक्ष्ण होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी अधिक होगी। आप जानते हैं ना कि ठंडियों में जब प्रकाश निकलता है क्या वो उतना तेज होता है, नहीं लगता उतना तेज, नहीं लगता ना। अभी आप मई जून की गर्मी में सुबह से शाम तक खड़े हो जाइए दोपहर में धूप में, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश की सघनता क्या है, है कि नहीं। चलिए, इसके बाद आगे बता रहा था ना मैं, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। वात रंध्र खुलते हैं, सभी लोग बताइएगा, जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं उनको इसका जवाब देना है। वात रंध्र खुलते हैं, बताइए फटाफट, केवल दिन में या रात में, दिन व रात्रि दोनों में, जब दिन में बादल होते हैं, बताइए। अरविंद मौर्य ने सी जवाब बताया है, रंजीत पटेल ने दिन में, कपिल ने सी ऑप्शन बताया है। चलिए, दोनों बता रहे हैं बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है, सही जवाब। जो वात रंध्र होते हैं वो दिन एवं रात दोनों में खुले रहते हैं। एक चीज इससे ये तय होती है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन और रात बराबर चलती है। वो अलग बात है कि दिन में अधिक चलती है और रात में बहुत ही कम चलती है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद है सी सी, चलिए ठीक है भैया, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सब लोग बताइएगा। हाँ, वाष्पोत्सर्जन क्रिया घटती है, यहां पे घटती का मतलब यह है वाष्पोत्सर्जन की दर घटती है। क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दर किसके द्वारा घटती है, इन तीनों ऑप्शन में से, मोटी उपचर्म के कारण घटती है, या रंध्रों के गर्त में होने से घटती है, या बाह्य त्वचा पर मोमीय परत के कारण, या इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि वाष्पोत्सर्जन की दर किस कारण घट जाती है। साहिल देवल सी बता रहे हैं, कपिल भी सी बता रहे हैं, बाह्य त्वचा पर मोमीय परत के कारण बता रहे हैं। देवा ने सही ऑप्शन बताया है, देवा गेमिंग ने डी ऑप्शन, दिलीप मिश्रा ने भी डी ऑप्शन बताया है, एकदम सही जवाब। मैं बता दूं कैसे, देखिए मोटी उपचर्म सॉरी, देखिए उप त्वचा या उपचर्म का काम ही है वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना, ठीक है। तो कुछ मात्रा में जो जल रिस करके वाष्पित हो जाता है
उसे हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन अगर उपत्वचा मोटी होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर नाम मात्र की होगी या तो होगी ही नहीं, है कि नहीं। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही चला गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन में, रंध्रों के गर्त में होने में, रंध्रों के गर्तों में होने से, ठीक है, ये लिखा है। गर्त आप समझ रहे हैं, अरे गांठ वांठ जो होते हैं ना, जो जल रंध्र होंगे, जैसे पत्ती आप देखे हैं, पत्ती, पत्ती में बहुत सारी गांठे होती हैं, है ना, गांठे जो क्या नाम है, जो पत्ती डिजीज लग जाता है जिस पत्ती में, उसमें गांठे बन जाती हैं, है ना, ये बहुत सारे गर्त या गांठों में जो रंध्र होते हैं उससे भी तो प्रभावित होगा, तो उससे भी वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। तो ये बी ऑप्शन भी सही हो गया, बाह्य त्वचा पर मोमीय परत के कारण। तो ये अगर बाह्य त्वचा पर मोम की परत लगा देंगे आप तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि फलों पर मोम का लेप क्यों लगाते हैं, श्वसन कम करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण कम करने के लिए, सभी। तो उसका मेन रीजन होता है वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए। आप सेब खरीदिए, उसमें खुरुचिए तो एक पतली लेयर होगी, वो मोम की होती है ना, तो वो क्यों लगाई जाती है, इसलिए क्योंकि उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो, जिससे उसके अंदर का जल संरक्षित रहे, है ना। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा डी सही होगा। आगे देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन मापीय उपकरण है, बताइए भाई, ये तो आप लोगों को बताना है। डी ऑप्शन इज करेक्ट शिवम सर जी, बताइए भाई। अब एक्स वाई जेड, हरिओम शुक्ला ने बताया है डी, पोटोमीटर, पोटोमीटर बताइए। आदित्य सिंह ने भी डी ऑप्शन बताया है, कपिल ने भी डी, चलिए मान लेते हैं हम, ठीक है। सब लोग कह रहे हैं भाई आपकी क्या कहते हैं उसको, अधिकता ज्यादा है, तो पोटोमीटर एकदम सही ऑप्शन है। वाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापते हैं, पोटोमीटर से। तो पोरोमीटर से क्या मापते हैं ये बताइए आप, पोरोमीटर से क्या मापते हैं बताइए, बताइए भाई, बताइए एक्स वाई जेड, बताइए बताइए मोहित भाई, बताइए पोरोमीटर से। चलिए कोई बात नहीं, पोरोमीटर से रंध्रों की स्थिति तथा संख्या, क्या, रंध्र की स्थिति तथा संख्या, ठीक है, याद रहेगा, हाँ ठीक है। इसके बाद डायनामोमीटर से क्या मापते हैं भाई, इसका आप, इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर तो डी है, लेकिन हम तीन ऊपर भी है तो उनकी विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो डायनामोमीटर से क्या मापते हैं, हाँ यंत्रों का खिंचाव मापते हैं, ठीक है, यंत्रों का खिंचाव। इसके बाद टेंसियोमीटर से क्या मापते हैं, क्या हुआ, मृदा में नमी की, सही बता रहे हैं, बताइए भाई, चंद्र प्रकाश जी, नीरज, कपिल, बताया जा रहा है कि मृदा में नमी की मात्रा टेंसियोमीटर से, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं टेंसियोमीटर से क्या होता है, मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात की जाती है, ठीक है, क्लियर है सबका, किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, सेब में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं बताइए, केवल ऊपरी सतह पर, केवल निचली सतह पर, सतह के दोनों ओर, या कार्यहीन, या कार्यहीन, बताइए बताइए बताइए। सी ऑप्शन बताया जा रहा है, सतह के दोनों ओर। सेव में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं जल्दी बताइए, चंद्र प्रकाश ने बताया ए, सभी लोग सी सी सी, भाई एक दूसरे का देख के मार रहे हैं क्या, कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, सही ऑप्शन बताइए भाई, ऑप्शन नंबर बी, केवल निचली सतह पर, केवल निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं,
स्टोमेटा पाए जाते हैं किसमें, सेव में, नाशपाती में, है ना, केवल निचली सतह में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या मैं अब थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा नहीं। रंध्र की स्थिति के आधार पर रंध्रों को कुछ भागों में बांटा गया है, तो मैं थोड़ा सा इसके विषय में बता देता हूं। पहला है एप्पल टाइप, कितना है, एप्पल टाइप स्टोमेटा। क्या है एप्पल टाइप स्टोमेटा? एप्पल टाइप स्टोमेटा में क्या होता है, रंध्र केवल पत्ती के निचली सतह पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, निचली सतह पर। तो एप्पल टाइप यानी सेव में और नाशपाती में, है ना। इसके बाद दूसरा है पोटैटो टाइप। क्या, पोटैटो टाइप स्टोमेटा। पोटैटो टाइप यानी आलू प्रकार के स्टोमेटा, तो यानी पूरी सोलेनेसी फैमिली। तो पूरी सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है कि स्टोमेटा पत्ती की दोनों सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा अधिक तथा ऊपरी सतह पर स्टोमेटा कम पाए जाते हैं। क्लियर। तीसरा है आपका ओ टाइप स्टोमेटा। क्या है भैया, ओ टाइप स्टोमेटा, जई प्रकार के रंध्र। इसमें क्या होता है, पत्ती के दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या बराबर बराबर मात्रा में होती है, और इस प्रकार के स्टोमेटा जिनकी संख्या पत्ती के दोनों तरफ बराबर होती है उनको एम्फी स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फी स्टोमेटा कहते हैं। मैं लिख देता हूं, ऐसे स्टोमेटा जो पत्ती की दोनों सतहों में बराबर मात्रा में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एम्फी स्टोमेटा, एम्फी स्टोमेटा। क्लियर है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, वो अगला है टाइप है लिली टाइप स्टोमेटा। क्या है भैया, लिली टाइप स्टोमेटा। लिली टाइप स्टोमेटा में क्या है, लिली टाइप स्टोमेटा जलकुंभी प्रकार के, है ना, या लिली प्रकार के स्टोमेटा जो है जलरंध्र है वो पत्ती की केवल और केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। देखिए भाई, अब ये जल में पाई जाती है कि नहीं, अब पत्तियां जल में तैरती हैं, इसके नीचे जल रंध्रों का तो कोई काम ही नहीं है, है कि नहीं। इसलिए नेचर ने इसको पत्ती की ऊपरी सतह पर जल रंध्र दिए हैं। ये भी तो वाष्पोत्सर्जन करेगा भाई, आप पसीना निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, इससे जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, बाहर पसीने के माध्यम से चले जाते हैं। ये भी पौधे भी क्रिया करते हैं, तो वो जल में रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा, करता है। तो जलकुंभी इसका एग्जाम्पल है। ओ टाइप का एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया, तो पूरी ग्रेमिनी फैमिली जो है ओ टाइप, इसमें दोनों सतह में स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब पोटैटो में नीचे ज्यादा ऊपर कम, लेकिन दोनों सतह पर, और एप्पल टाइप में केवल नीचे। क्लियर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब बी ऑप्शन, केवल निचली सतह पर है। चलिए, यहां क्रेजी बॉय है, सर जी ये तो मैंने लिखे थे कल क्वेश्चन, कोई बात नहीं भाई, अगर आपने कल लिखे थे तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, जनरली पूछ लेता है, मेरठ है पूछ सकती है, तो लिख लेंगे आप लोग। निम्न में से किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, तो सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। देवा गेमिंग डी ऑप्शन, कोई पुष्प बता रहा है, कोई बी बता रहा है जड़, कोई डी 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 बी, तो इसका सही जवाब है जड़ द्वारा। जड़ द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। भाई जड़ का काम है जल को अवशोषित करना, क्या, जल को अवशोषित करना। बाकी पत्ती द्वारा भी होता है, तने द्वारा भी होता है, पुष्प द्वारा भी कुछ मात्रा में हो जाता है ना। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या है,
जड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अरविंद मौर्य जी ने बताया है बी ऑप्शन एकदम सही। लवीस पाल सर यू टीच वेरी वेल, अरे ठीक है भैया चले आगे बढ़े। तेज हवाएं चलने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, घटती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है, तो आप लोग बताइए बढ़ती है। क्लियर, हम नहीं जानते, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। गुलशन राणा जी ने बताया है ए ऑप्शन बढ़ती है, बहुत बढ़िया गुलशन जी आपने सही जवाब दिया। और आप सभी जानते हैं कि जब हवा चलती है तो वाष्प उसके ऊपर जो भी आद्रता होती है वो हटती जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ चलिए अगला। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, और जो भी अगला लाइव वीडियो आए तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे और आप उन क्वेश्चनों का एकदम बढ़िया से लाभ उठाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।